अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको दिखाएँगे बोर्ड का, जो बोर्ड हमने बनाए थे ACNDC बाय ललित, तो उस बोर्ड का आज हम आपको दिखाएंगे पार्ट 5 और इसके बाद जो होगा वो होगा पार्ट 6 अगले वीडियो में। उसमें हम चलिए जब होगा उसमें हम आपको तभी दिखाएंगे कि किस तरीके से उसमें वर्क करेगा। तो जो दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आने वाले बेल का आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से हम आ गए उसी बोर्ड पर। तो जितने को हमने जोड़े थे सबको हम क्या करेंगे, खोल देते हैं क्योंकि फिर से हमें आपको दूसरा वीडियो दिखाना है इसी सर्किट के ऊपर। अब जितना हमने काटा था सभी को फिर से जोड़ देते हैं। ताकि हमारा ग्रीन वाला जो था वो फिर से रन हो जाए। हमारा जितना भी था ग्रीन कलर का हम सभी को जोड़ दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा ब्लू कलर का जॉइंट होगा सभी को एक एक करके काट लेते हैं। एक का ये हो गया, नहीं दिखाई दे रहा, एक का ये हो गया, उसके बाद वाला का ये हो गया।
और उसके बाद में सर्किट में हम जैसे इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा किए थे, सेम उसी तरीके से हम इसमें ब्लू कलर का जोड़ देते हैं। हम उसी सर्किट से दोस्तों सभी का एक एक करके जैसे हम देखिए इन दोनों को जोड़ दिए हैं इन दोनों के साथ, उसके बाद वाले को इसके साथ, हो गया हमारा चौथा, यह है हमारा तीसरा, हम इसके साथ इसे जोड़ेंगे। और यह हो गया हमारा चौथे वाले का। तो जो दोस्तों को मेरा ये सब समझ नहीं आता है, तो हम पूरे ये वीडियो बनने के बाद आपको पेपर पेन पे फिर से एक बार शुरू से लेकर अंत तक आपको पेपर पेन पे हम दिखा देंगे कि किस तरीके से ये बनाया था। जो दोस्तों को ये समझ नहीं आया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, चलिए दोस्तों ये सब कनेक्शन फिर से हो गया। हम आपको फिर से जला के इसे टेस्ट करके दिखाते हैं। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। यह आपको मोबाइल में दोस्तों ऐसा लगता है, लेकिन आप रियली जब उसे देखिएगा तो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है दोस्तों।